दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोवेक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल परसों दो तीन दिन से आप एक स्मार्टफोन के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, ओएक्स। बहुत सारे ट्विटर पे बोल रहे हैं फिर ये ब्रांड आया तो काऊ वाला ब्रांड कब आएगा, फिर डोंकी वाला ब्रांड कब आएगा, मंकी वाला ब्रांड कब आएगा, एक्स वाई जेड। भाई वो ऑक्स नहीं, वो जीरो एक्स है, ठीक है। एंड इन्फिनिक्स जीरो एक्स है जिसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पहले इसका नाम इन्फिनिक्स जीरो फाइव जी था। मैंने आज से एक डेढ़ हफ्ते पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इसका नाम इन्फिनिक्स जीरो एक्स फाइव जी होने वाला है, जाके जरूर देखिए। अब टीज करना चालू कर दिया, 8 तारीख को लॉन्च होगा। एक छोटा सा टीजर आया हुआ है वीडियो जिसमें बताया गया है कि ये 8th ऑफ फेब यानी 8 तारीख को लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियल नहीं है लेकिन टीजर लीक हुआ है हर जगह पे, बहुत सारे लोग डाल रहे हैं। ऑक्स है तो बहुत कुछ लोग डिकोड ही नहीं कर पा रहे कि इन्फिनिक्स का 0X है 5G वाला। क्या हुआ है कि बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको सारी चीजें दी गई हैं, मतलब एक बॉक्स दिया गया जिसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन को रिवील किया गया, इवन प्राइस भी हिंट किया गया है। क्या है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन जानना हो तो जाके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, सारा स्पेसिफिकेशन बताया हुआ है, वही होने वाला है। यहां पे कुछ ऐसी चीजें बात करेंगे स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। सबसे पहले बात करूं सबसे तगड़ी चीज क्या आई है इसमें, चिपसेट तो इसमें वही डायमेंसिटी का 900 वाला है जिसका स्कोर 4.75 लाख के आसपास मिलता है आपको, 4,75,000 के आसपास। चलिए अच्छी चीज है। इसमें आपको UFS 3.1 और LPDDR 5X जो कि अभी तक 40-50-60 हजार वाले फोन में नहीं आया है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे फास्टेस्ट रैम और स्टोरेज अवेलेबल इस टाइम पे स्मार्टफोन्स के लिए वो आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि अच्छी चीज है। यानी यार स्पीड तो इस बार लिटरली तगड़ी होगी, क्लियर। अब इसके साथ और भी एक चीज बताई गई है कि इसमें 13 5G बैंड्स आने वाले हैं। 13 5G बैंड्स है यानी 5G सपोर्ट में कोई इशू नहीं आएगा, ये भी एक अच्छी चीज है। अब इतनी सारी चीजें बताई दी गई है लेकिन डिस्प्ले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अगर इसमें सुपर एमोलेड का डिस्प्ले होता ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले का भी दिया जाता। अब डिस्प्ले के बारे में कुछ खास बताया नहीं गया जिससे पता चल रहा है कि वो वाली बात जो मैंने कही थी कि शायद इसमें IPS LCD है सच होने वाली है, जहां तक अभी तक लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि IPS LCD ही आएगा, आई विश की सुपर एमोलेड दे दे, लेकिन अब जैसा लग रहा है ना कि इसमें आपको IPS LCD ही देखने को मिलने वाला है। चलिए ये सारी चीजें हो गई, अब कहां से इसके प्राइसिंग के बारे में पता चला जो हिंट है। पहली बात तो ऑब्वियसली अनिश कपूर जो उनके CEO है उन्होंने दिसंबर में ही कह दिया था कि 20,000 के नीचे हम अगला 5G फोन जनवरी में लाने वाले हैं। वो तो फेब में आ रहा है लेकिन उन्होंने कहा था कि जनवरी में आ रहा है। प्राइसिंग कहा था उन्होंने 20,000 के नीचे होगा, एक वो हिंट। दूसरा हिंट अगर आप वहां पे देखते हो तो उन्होंने कहा है कि ये डायमेंसिटी 900 के ऊपर आने वाला है और उसका अंतुतु स्कोर दिया है 4,75,000, 4,75,000। अब 4,75,000 को कंपेयर करने के लिए उन्होंने कौन कौन से स्मार्टफोन को रखा है, रियलमी का 8S है, प्राइस कितनी है उसकी 17,000-18,000। उसके बाद Redmi का Note 11 T5G है, प्राइस कितनी है उसकी 17,000-18,000। एंड उसके साथ आपको आता है Motorola का G71, उसकी प्राइस कितनी है करीब करीब 18-19,000। इससे पता चल रहा है कि ये तीनों स्मार्टफोन जो है ये 17-18-19,000 के आसपास है, तो पॉसिबली उसी के आसपास की प्राइस पे, क्योंकि कंपैरिजन में जो स्मार्टफोन्स रखे जाते हैं वो सेम प्राइस होते हैं एक्चुअली, एक ही प्राइस ब्रैकेट वाले। चलिए इससे पता चल रहा है कि ये 20,000 के नीचे आपको पॉसिबली देखने को मिल जाएगा। हाँ सुपर एमोलेड होता तो शायद 21-22,000 तक चला जाता, लेकिन मेरे हिसाब से खराब नहीं है। अगर आपको LPDDR 5X मिल रहा है, UFS 3.1 मिल रहा है, 13-13 5G बैंड्स मिल रहे हैं, डायमेंसिटी 900 का 5G वाला चिपसेट मिल रहा है, 120Hz का अगर IPS LCD भी दे दे और 17-18-19,000 पे लॉन्च कर दे बेस वेरिएंट। मेरे ख्याल से बेस वेरिएंट इसका 8GB वाला आने वाला जहां तक मुझे पता चल रहा है अभी तक, शायद 6GB वाला शायद आपको देखने को ना मिले। अब वो देखने वाली बात होगी देते हैं कि नहीं, लेकिन इससे एक चीज पता चल रहा है कि इस बार आपको परफॉर्मेंस इन्फिनिक्स के 0 5G में तगड़ा मिलने वाला है। एंड ये कोई और ब्रांड नहीं है, OX नहीं है, ये 0X है। 0X मतलब नाम ही होगा उसमें। अब मैं इन्फिनिक्स 0 5G बोल रहा हूं लेकिन उसका नाम होने वाला है इन्फिनिक्स 0X 5G स्मार्टफोन। चलिए देख लेते हैं कैसा होने वाला है। ये ऑरेंज वाला और एक ब्लैक कलर का, दो कलर्स हैं। ऑरेंज वाला तो उन्होंने टीज भी कर दिया है वो नोटबुक के साथ, अगर आप देखना चाहते हो फोटोज में जाके देख लो, ऑफिशियली टीज किया उन्होंने, जो कि मेरे हिसाब से काफी कूल दिख रहा है। लिटरली पॉली बैक है बट अच्छा दिख रहा है। चलिए जैसे और भी इन्फॉर्मेशन आता है बता दूंगा आपको। वेट करो कि 8 तारीख को वैसे भी लॉन्च होने वाला है, देखते हैं किस प्राइस पे लेके आते हैं एंड किस तरह का स्मार्टफोन होता है, देखने में तगड़ा लग रहा है लिटरली। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट कुछ खास नहीं करना है।
साइड में देखो वेक्टर इमेजेस के ऊपर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सब कॉन्शियस मिलते हैं आपको, मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।